लंबे समय से अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्ते पे सत्ता की रीमेक की चर्चा चल रही है। रोहित शेट्टी इस फिल्म को अपने बैनर तले बना रहे हैं। फिल्म के निर्देशक की जवाबदारी उन्होंने फराह खान को दे दी है, जो मसाला फिल्म बनाने में माहिर है। रोहित का मानना है कि जिस तरह का मनोरंजक सिनेमा वे बनाते हैं, उसी तरह का सिनेमा फराह भी बनाती है। फराह को रोहित ने 1982 में रिलीज हुई फिल्म सत्ते पे सत्ता का रीमेक बनाने की जवाबदारी सौंपी है, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने लीड रोल निभाए थे। सत्ते पे सत्ता अमेरिकन म्यूजिकल फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स की रीमेक थी। अब रीमेक का रीमेक बनने जा रहा है। यह ऐसे सात भाइयों की कहानी है जो अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं। बड़े भाई रवि को इंदु नामक महिला से प्यार हो जाता है और रवि के घर आकर इंदु सभी भाइयों को जीने का सलीका सिखाती है और सभी भाई किसी न किसी को दिल दे बैठते हैं। राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित यह फिल्म वैसे सफलता नहीं हासिल कर पाई थी जैसे उन दिनों अमिताभ बच्चन की फिल्मों को मिला करती थी। बाद में टेलीविजन पर यह फिल्म काफी पसंद की गई और राहुल देव बर्मन के संगीत बुद्ध किए गए गानों को काफी लोकप्रिय रहे। इस फिल्म में मनोरंजन की बहुत गुंजाइश है और इसीलिए रोहित फराह ने इसे चुना है। अमिताभ हेमा की जगह लेने वाले कलाकारों का चयन और आदि बर्मन जैसे मधुर रचना आसान बात नहीं है। पहले खबर आई थी कि अक्षय कुमार को यह फिल्म ऑफर की गई है और अक्षय इस फिल्म में अमिताभ वाले किरदार में दिखाई दे सकते हैं। अक्षय इस समय रोहित के साथ सूर्यवंशी कर रहे हैं और फराह के साथ 30 मार खा कर चुके हैं। अब खबर मिली है कि शाहरुख खान इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। शाहरुख भी रोहित और फराह के साथ काम कर चुके हैं। जीरो की असफलता से किंग खान विचलित है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनका अभिनय करने का मन नहीं हो रहा है। वे फिल्म देख और किताब पढ़कर समय काट रहे हैं। यदि उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो जिसे पढ़कर उनकी अभिनय करने की इच्छा जाग जाए तो वे तैयार है। संभावना है कि वे सत्ते पे सत्ते का रीमेक कर सकते हैं। सत्ते पे सत्ते का रीमेक में कुणाल खेमू, वरुण धवन, तुषार कपूर, अर्शद वारसी को भी जोड़ा जा सकता है। ये सात भाइयों की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। हेमा मालिनी वाले रोल का पडुकोण के नाम पर विचार किया जा रहा है। दीपिका को उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम में फराह ने हेमा मालिनी वाले अंदाज में ही पेश किया था, लेकिन दीपिका फिलहाल व्यस्त है। उनकी जगह कैटरीना कैफ भी ले सकती है। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि इस फिल्म को करने के अक्षय कुमार के ज्यादा अवसर हैं। आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन का रोल कौन ज्यादा बेहतर कर सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।